मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय अपनी चरम सीमा पर है, जहां एक और 15 साल से वनवास काट रही कांग्रेस इस बार उम्मीद में लगी हुई है कि वो सरकार बनाएगी, तो वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी में लगी है कि शिवराज सरकार भी दोबारा सत्ता में आएगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महादेवन अपने पिता के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और शिवराज सिंह के बेटे भी इस कतार में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आर्यमन इस समय युवाओं को कांग्रेस की ओर लुभाने के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें, इस समय आर्यमन युवा समाज कार्यक्रम में युवाओं को जोश दिलाने के लिए कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आ रही हैं। जाहिर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में दो विधानसभा सीट कोलारस और मुंगावली पर उपचुनाव हुए और उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय भी चुनावी मैदान में उतरे थे। तो अब सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महा आर्यमन ने भी कांग्रेस के युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जिससे वो युवाओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित कर सके। लेकिन युवाओं को साधने की यह राजनीति किस पार्टी के लिए रंग लाएगी, देखने वाली बात होगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।